Assalamualaikum class. This is the teacher of Sahad. Chapter that we are going to start today is sixteenth. The price adjustment mechanism with flexible and fixed exchange rates. In this chapter, we will examine how a nation's current account is affected by price changes under flexible and fixed exchange rate system. ठीक है इसमें हमें देखना है कि एक नेशन है उसके करंट अकाउंट में या उसके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें किस तरह से एडजस्टमेंट्स होती हैं और एक्सचेंज रेट के साथ उसका क्या इफेक्ट आएगा यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखनी है एक तो ये वो यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं एजम्पन्स हैं कि यहाँ पर इस जो इकोनॉमी हम लेंगे मॉडल के अंदर उसके लिए रज्यूम किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई किसी भी तरह के कोई भी इंटरनेशनल नो ऑटोनमस इंटरनेशनल प्राइवेट कैपिटल फ्लोस यानी किसी किस्म के कैपिटल फ्लोस नहीं होंगे इन फ्लो और आउटफ्लो दोनों ही को फ़िक्सड सवर किया जा रहा है कि होंगे ही नहीं और ये क्यों किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं कि करंट अकाउंट पे किस तरह से इफ़ेक्ट आता है और एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट प्रोसेस क्या होगा और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स और एक्सचेंज रेट और रिजर्वस की सप्लाई और डिमांड इस सारा जो इफेक्ट है ना इसका जो असल रीज़न या कॉज हम बनाना चाह रहे हैं वो है ट्रेड को ट्रेड के अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं एक होती हैं इम्पोर्ट्स दूसरी होती हैं एक्सपोर्ट्स तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किसी कंट्री की कैसे हो रही है और इम्पोर्ट से उसको जो वो पेमेंट कर रहा है फॉरेन कंट्री को फॉरेन करेंसी में और जो एक्सपोर्ट्स को सेल हैं से फॉरेन foreign, फॉरनर्स जो हैं वो इस कंट्री को पे कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में तो जो डिमांड और सप्लाई है फॉरेन करेंसी की इस कंट्री की इकॉनमी में जो आ रही है या इस मुल्क की जो इक, इस कंट्री की जो इकोनॉमी है उससे बाहर जा रही है तो वो करेंसीज जो आ जा रही हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स के साथ ठीक है इम्पोट और एक्सपोर्ट्स के से अर्निंग और जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो हो रही है जो एक्सपेंसिव बर्दा एक्सपेंसिव बर्दाश्त कर रही है ये इकोनमी जो हमारे मॉडल में हम स्टडी कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट उसको सॉलली देखने के लिए उसको अलग करके देखने के लिए यहाँ पे ज्यूम कर रहे हैं कि जो कैपिटल फ्लोज हैं वो नहीं होंगे वो ज़ीरो होंगे यानी कि देर विल बी नो ऑटोनस इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पर वो बता रहे हैं वो ये है कि सेकेंड एजॉपन ये है कि नेशन जो है इट जस्ट वॉन्ट्स टू फिक्स इट्स करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस और डेफिसिट ओके बाय एक्सचेंज रेट चेंजेस बस ये दो एजॉम्स हैं यहाँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं okay, आपका टॉपिक टॉपिक है एडजस्टमेंट विद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स यहाँ पर वो आपको बताएंगे दो टर्म्स हैं जिसके वो एक्सप्लेन कर रहे हैं सबसे पहले एक डेफिसिशन दूसरी है डिवेलुएशन जो या एप्रिसिएशन होती है किसी करेंसी की वो ऑटोमेटिकली होती है वो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता तो डेप्रेशन जो है वो ए, खुद से होती है करेंसी की सप्लाई डिमांड के हिसाब से चेंज होती रहती है लेकिन जो डिवेलुएशन होती है वो डेलीबरेट अटैम्प्ट होती है किसी कंट्री की मोनिट्री अथॉरिटीज़ की जो खुद से अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करती हैं एक फिक्स लेवल से दूसरे लेवल तक लेकर जाती हैं तीसरी चीज़ यहाँ पर आपने देखनी है वो ये है कि हम स्टडी क्यों कर रहे हैं इस पोर्शन को हम देखना चाहते हैं कि हाउ द करंट अकाउंट ऑफ अ नेशन इज़ अफेक्टेड बाई चेंजेज इन द एक्सचेंज रेट सेकेंड जो यहाँ पे एक चीज़ है वो ये है कि चूँकि ये जो है चेंजेस जो आएंगे ये डिवेलेशन या डेप्रिसशन किसी मुल्क की करेंसी की होगी तो इसका इफेक्ट होगा प्राइसिस पर जो कि चेंजेस लेकर आएगा एक नेशन के करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट में इस वजह से इन दोनों के जो इफेक्ट होगा जिसको हम स्टडी करेंगे यहाँ पर उसको प्राइस एडजस्टमेंट मैकेानिज़म कहा जाता है और इन दोनों को इकट्ठे स्टडी करना है इसी सेक्शन में और ये इफ़ेक्ट जो है वो इनकम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से डिफरेंट है क्योंकि उसमें नेशन की और जो अब्रॉड नेशन है फॉरेनर्स जो हैं उनकी नेशनल इनकम में एडजस्टमेंट्स को देखा जाता है जो कि एक्सचेंज रेट पर इफ़ेक्ट करती हैं सो so, यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो डिफरेंट हैं इनकम एडजस्टमेंट से यहाँ सिर्फ प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को देखा जाएगा